टीवी सीरियल के लिए ऑडिशन देने के बाद का प्रोसेस क्या है। आज का वीडियो हाईली रिक्वेस्टेड है। अगर आप एक टेलीविजन एक्टर बनना चाहते हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि किसी भी टीवी सीरियल के लिए ऑडिशन देने के बाद का प्रोसेस क्या है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगी ऑडिशन के बाद का प्रोसेस, तो इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए क्योंकि मैं आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ ताकि आगे चल के आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, तो इस वीडियो को ध्यान से और बिना स्किप करे देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक के पहुँचते रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दी कास्टिंग जोया में। बिना इंतजार करवाए आपको बताते हैं किसी भी टीवी सीरियल के लिए ऑडिशन देने के बाद का प्रोसेस क्या है। मान लीजिए आपने किसी टीवी सीरियल के लिए ऑडिशन दिया, आपका ऑडिशन अच्छा हुआ, उसके बाद जितने भी एक्टर ने उस टीवी सीरियल के लिए ऑडिशन दिया है वो सारे ही ऑडिशन कास्टिंग डायरेक्टर बैठ के देखेगा, उन ऑडिशन में से शॉर्टलिस्ट करेगा कुछ ऑडिशन जिनके ऑडिशन अच्छे हुए हैं और जो कैरेक्टर में फिट हुए हैं। जो शॉर्टलिस्ट ऑडिशन करेगा वो क्रिएटिव डायरेक्टर को शॉर्टलिस्टेड ऑडिशन दिखाएगा, यानी कि वो सारे ऑडिशन क्रिएटिव डायरेक्टर को नहीं दिखाएगा। उसके बाद क्रिएटिव डायरेक्टर भी उनमें से कुछ ऑडिशन को शॉर्टलिस्ट करेगा जो कि चैनल भेजने होंगे। चैनल को कुछ शॉर्टलिस्टेड ही ऑडिशन भेजे जाएंगे, उसके बाद चैनल भी उन ऑडिशन में से कुछ शॉर्टलिस्ट ऑडिशन करेगा जिनके लुक टेस्ट होने होंगे। अब ये ऑडिशन सिलेक्शन वाला जो प्रोसेस है मैं आपको और अच्छे से समझाती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आपको क्लियर हो। मान लीजिए किसी टीवी सीरियल के लिए 100 एक्टर ने ऑडिशन दिया, उन 100 एक्टर के ऑडिशन कास्टिंग डायरेक्टर बैठ के देखेगा, 100 में से कास्टिंग डायरेक्टर 20 लोगों को चुनेगा जिनके ऑडिशन अच्छे हुए हैं और जो कैरेक्टर में फिट हैं। उसके बाद जिन 20 लोगों के ऑडिशन उस कास्टिंग डायरेक्टर ने चूज़ किया है यानी कि शॉर्टलिस्ट किया है, वो ऑडिशन वो क्रिएटिव डायरेक्टर को दिखाएगा। उन 20 में से भी क्रिएटिव डायरेक्टर सिर्फ 15 लोगों को चुनेगा, 15 लोगों के ऑडिशन वो चैनल भेजेगा, चैनल भी उन 15 लोगों में से चुनेगा कुछ एक्टर्स को। मान लीजिए उसने 10 लोगों को चुना लुक टेस्ट के लिए, यानी कि ऑडिशन का प्रोसेस सिलेक्शन होते होते 100 लोगों ने ऑडिशन दिया, सिर्फ 10 एक्टर का ही लुक टेस्ट हुआ। इस ऑडिशन प्रोसेस को मैं आपको इस वजह से इतना डीपली समझा रही हूँ ताकि अगर आप एक एक्टर बनना चाहते हैं तो आप अपने काम को थोड़ा सीरियस लें, क्योंकि आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि एक्टर तो बनना चाहते हैं लेकिन एक्टिंग सीखना नहीं चाहते, उन्हें ऐसा लगता है ऐसे ही काम मिल जाना चाहिए। इसी वजह से मैंने आपको इतना डीपली प्रोसेस समझाया है ताकि आप समझे कि कितना टफ कंपटीशन है। जितने भी एक्टर्स को काम मिलता है उनको कई कई सारे ऑडिशन देने पड़ते हैं, कई कई सारे लुक टेस्ट देने पड़ते हैं, तब जा करके उन्हें काम मिलता है, तब जाके वो किसी टीवी सीरियल में दिखाई देते हैं। अब जितने भी लोगों को चैनल ने कहा है कि इनका लुक टेस्ट होना है, उन सारे ही एक्टर्स को कॉल किया जाएगा कि आपका लुक टेस्ट है, आप आ जाइएगा। वो सारे ही एक्टर्स आएंगे लुक टेस्ट के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ लुक टेस्ट का मतलब क्या है। लुक टेस्ट का मतलब होता है उस एक्टर को वैसे ही लुक दिया जाता है जैसा उस एक्टर का सीरियल में कैरेक्टर होगा, यानी कि उस सीरियल में जो भी कैरेक्टर वैसे कपड़े पहनता होगा वैसे आपको कपड़े दिए जाएंगे, पहनने के लिए वैसा आपका मेकअप होगा, वैसा हेयर स्टाइल होगा। ये सारी तैयारी करने के बाद आपकी फोटोज क्लिक होंगी और वो चैनल को भेजी जाएंगी। अगर चैनल इसको अप्रूव करता है कि आप फिट हो, फिर आपका स्क्रीन टेस्ट होगा। अब आप सोच रहे होंगे ये स्क्रीन टेस्ट क्या है। स्क्रीन टेस्ट आपका तब होगा जब आप लुक टेस्ट को पास कर लोगे। लुक टेस्ट में अगर आप पास हो गए फिर आपका स्क्रीन टेस्ट होगा। स्क्रीन टेस्ट में भी कुछ ऐसा ही होता है कि आपको वैसे ही जैसे कि कैरेक्टर के हिसाब से कपड़े पहनाए जाते हैं, वैसे ड्रेसअप होता है, वैसे ही आपका मेकअप होता है, वैसे आपका हेयर स्टाइल होता है। स्क्रीन टेस्ट में सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है कि इसमें आपको डायलॉग भी बोलने होते हैं। लुक टेस्ट में आपको तैयार करके सिर्फ आपकी फ़ोटो खींची जाएगी, लेकिन स्क्रीन टेस्ट में आपको डायलॉग्स भी बोलने होंगे, वो डायलॉग प्रोडक्शन हाउस वाले देंगे। स्क्रीन टेस्ट में आपका स्क्रीन टेस्ट को स्टार के साथ भी होगा, यानी कि आपके साथ आपके और भी को स्टार होंगे जो कि उस सीरियल में होंगे। स्क्रीन टेस्ट होने के बाद आपका एग्रीमेंट होगा। स्क्रीन टेस्ट जो आपका होगा वो स्क्रीन टेस्ट चैनल भेजा जाएगा।
अगर आप स्क्रीन टेस्ट में पास हो गए फिर आपका एग्रीमेंट होगा, यानी कि आपको ये सीरियल मिल गया, आपका एग्रीमेंट साइन होगा। एग्रीमेंट में जो भी टर्म कंडीशन होगी कि आप कितना पैसा लोगे या फिर प्रोडक्शन हाउस की तरफ से कितना पैसा है, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। शूट कहाँ पर होगा, शूट का लोकेशन क्या होगा, टाइमिंग क्या रहेगी, वो सारे टर्म कंडीशन उस एग्रीमेंट में होंगे। अगर आप अग्री करते हो तो वो अग्रीमेंट साइन आपको करना होगा, अगर आप अग्री नहीं करते हो तो आपको अग्रीमेंट साइन नहीं करना होगा। उसके बाद जब आप अग्रीमेंट साइन कर देते हो उसके बाद आपको प्रोमो शूट करना पड़ेगा। आपने कई सारे टीवी सीरियल के प्रोमो देखे होंगे जो कि आते हैं सीरियल शुरू होने से पहले, फिर एग्रीमेंट साइन करने के बाद आपको प्रोमो का शूट करना पड़ेगा, यानी कि सबको बताना है कि नया सीरियल आने वाला है, तो वो प्रोमो शूट होगा, फिर प्रोमो रिलीज किया जाएगा, फिर आपका शूट नॉर्मली स्टार्ट हो जाएगा। कुछ इस तरीके का प्रोसेस होता है टीवी सीरियल का। आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं लुक टेस्ट किस तरीके से हमने किया था, प्रॉपर लुक होता है। देखिए, सबसे पहले आपने एक ऑडिशन दिया, आपका ऑडिशन अच्छा हुआ, ऑडिशन के बाद आपका लुक टेस्ट होगा, लुक टेस्ट आपने पास कर लिया, फिर आपका स्क्रीन टेस्ट होगा, स्क्रीन टेस्ट भी आपने पास कर लिया, उसके बाद आपका एग्रीमेंट साइन होगा, एग्रीमेंट आपने साइन कर लिया, उसके बाद आपका प्रोमो, फिर नॉर्मल शूट। कई बार ऐसा होता है कि कई सारे एक्टर लुक टेस्ट तो करते रहते लेकिन स्क्रीन टेस्ट तक के नहीं पहुँच पाते, यानी कि जब तक कि आपका स्क्रीन टेस्ट ना हो जाए, जब तक कि आपका एग्रीमेंट साइन ना हो जाए, आपको ये समझना है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो अगर आपका किसी भी टीवी सीरियल में सिलेक्शन होता है तो उसके लिए आपका एक अग्रीमेंट होगा। एक और बात आपको बता दूं, ये जो लुक टेस्ट तक के बाद पहुंचती है सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होती है जिनको कंटिन्यूटी कैरेक्टर मिलता है, जिनका उस सीरियल में अहम रोल होता है, यानी कि वन डे टू डे कोई साइड कैरेक्टर, इन सब का कोई लुक टेस्ट नहीं होता है। एक और बात आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि आप नए हैं तो आपको लोग ठग सकते हैं लुक टेस्ट के नाम पर, स्क्रीन टेस्ट के नाम पर, कि लुक टेस्ट में आपको ये ड्रेसअप लगेगा, ये मेकअप होगा, हेयर स्टाइल होगा, तो उसके लिए पैसा लगेगा। तो ये सारी चीज़ें फ्री में होती हैं, प्रोडक्शन हाउस ये सारी चीजें देता है, तो इसके लिए आपको एक रुपए भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। ऑडिशन से लेकर एग्रीमेंट तक के आपका एक रुपए नहीं लगता है, शूट तक के, यानी कि जब आपका शूट स्टार्ट हो जाता है, शूट के बाद आपको खुद ही पैसा मिलने लगता है, आपको किसी को भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आशा करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।